छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर चिकित्सकों को उनके कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से मरीजों की सेवा भावना को देखते हुए पीड़ित मानवता की सेवा के लिए डॉक्टर आशीष शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना पांडे और डॉक्टर अर्पित शर्मा को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि विश्व चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय की मूलभूत सेवाओं को सुदूर क्षेत्र से आने वाले मरीजों की सेवा पर मनाया जाता है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि मरीज से चिकित्सकों का संबंध परिजनों से भी ज्यादा बन जाता है। उसे हमेशा लगता है मेरा मरीज कब ठीक हो जाए। डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया ने बताया, सभी दिवस मनाए चिकित्सकों के दिवस पर सम्मानित होना वास्तविक पीड़ित मानवता की सेवक एहसास कराता है। हम सेवा जतन के भाव से ही जाने जाते हैं। बड़ी खुशी की दिन है कि आज डॉक्टर दिवस है और आज हम लोग अस्पताल में सेलिब्रेट किए। हमारे सारे स्टाफ मौजूद थे, हमारे सारे डॉक्टर्स मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सारे स्टाफ को और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को, जिन्होंने इसको इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हमको सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विश्व चिकित्सक दिवस के रूप में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विलायतीन में चिकित्सकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। पीड़ित मानवता के सेवा के चिकित्सक और मरीज के साथ आत्मीय संबंध होता है और उनका जो कार्यशैली है वो मरीज के साथ बिना भेदभाव के होता है, बिना धर्म जाति समुदाय के होता है। एक रिलेशन बन जाता है मरीज के साथ चिकित्सकों का, जिसको वो बखूबी निभाते हैं और वो इसके हकदार है कि आज के दिन उनको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया ताकि अपने कोविड काल में और विभिन्न सेवाओं को जो वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में और संक्रामक रोगों के बारे में अस्पतालों में पीड़ित मानवता के लिए जो सेवा देते हैं उसके लिए आज हमने उनको सम्मानित किया है। बहरहाल इस अवसर पर श्रीमती ए दत्ता, श्रीमती आर विश्वास, श्रीमती स्मिता बागड़े, फार्मासिस्ट समीर रात्रे, उषा वर्मा सहित कर्मचारी संघ के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।